भारत भी आईएस के खिलाफ हमले कर सकता है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुधवार को ऐसे संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ऐसा संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही किया जाएगा। पर्रिकर ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत को लेकर आयोजित विजय दिवस के मौके पर यह बयान दिया। अब दुनिया से होगा आईएसआईएस का अंत, क्योंकि अब बगदादी के बंकर तक पहुंचेगी जय हिंद की सेना। तो यूएन मिशन रहेगा तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज आवर इंटेलिजेंस शेयरिंग, वी आर ऑलवेज रेडी। एंड अब बगदादी को बर्बाद करेंगे इंडिया वाले। पूरी दुनिया अब आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट हो रही है और मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है। अब भारत भी बगदादी के खात्मे के लिए खड़ा हो रहा है। अब अपने ही इलाके में बगदादी मांगेगा पनाह। सीरिया और इराक में भी आईएसआईएस का कब्जा कमजोर पड़ रहा है और जब भारत भी आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा खोल देगा तो बस एक कदम दूर बगदादी। अब बगदादी के दरवाजे तक पहुंच जाएगा इंडिया। और अब बगदादी को मारेंगे इंडिया के बाहुबली। और अब आपको बताते हैं कि भारत को आईएसआईएस पर हमले की योजना क्यों बनानी पड़ रही है। आईएसआईएस के आतंक से दुनिया को खौफ में लाने वाले इन हथियारों की आवाज जल्द ही खामोश हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ ही भारत भी आईएसआईएस के आतंक के अंत के लिए खड़ा हो रहा है। सर, आईएसआईएस को लेकर जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है, क्या अमेरिकन काउंटर पार्ट से भी आप लोग के बारे में साथ बात हुई और क्या कोई इंडिया हम लोगों ने क्लियर किया है? इंडिया ऑपरेशंस यूएन का अगर कुछ रेजोल्यूशन हो और यूएन फ्लैग हो तो उसके अंदर जो भारत का अभी तक का जो पॉलिसी है तो ऑपरेट अंडर यूएन फ्लैग, तो यूएन मिशन रहेगा तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इशारों ही इशारों में आईएसआईएस को बता दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाना आईएसआईएस को बहुत महंगा पड़ेगा। और आईएसआईएस भले ही सोशल मीडिया के जरिए इंडिया में घुसने का रास्ता तलाश ले, लेकिन रक्षा मंत्री का यह बयान आईएसआईएस की इन सभी कोशिशों पर अटैक है और इस बात का मैसेज भी कि भारत आईएसआईएस को उसके घर में घुस के मारेगा। आईएसआईएस के आतंक की हिम्मत तो देखिए, साल 2015 में बैठकर ही वो 2020 की तस्वीर बनाने लगा था। हम आपको एक मैप दिखाते हैं। यह बगदादी का खौफनाक सपना है जिसमें वो 2020 तक दुनिया के कई हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क आईएसआईएस का किला ढहाने की ओर बढ़ चुके हैं। आईएसआईएस अपने गढ़ रमादी और एलेपो में अंतिम सांसें गिन रहा है और ऐसे में अगर भारत हमला करता है तो वो हमला आईएसआईएस के ताबूत पर आखिरी कील होगा, क्योंकि इस बार उसका मुकाबला इंडिया के बाहुबली से होगा। आनंद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या वाकई में आईएसआईएस की जड़ें गहरे तक फैल गई हैं। पुणे की 16 साल की लड़की के आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने की सूचना सामने आई है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक लड़की बीते 4 महीने से इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में है। लड़की अगले साल सीरिया जाने की तैयारी में थी। बगदादी के गैंग ने कैसे हजारों मील दूर से लड़की का ब्रेन वॉश किया, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या इंडिया में आईएसआईएस की जड़ें वाकई गहरी हो चुकी हैं? क्या आईएसआईएस हजारों नौजवानों का ब्रेन वॉश कर चुका है? ताजा और चौंकाने वाली खबर वो लड़की है जिसकी तस्वीर अभी दुनिया के सामने नहीं आई है, लेकिन इसके आईएसआईएस से कनेक्शन की कहानी ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पुणे की एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार की ये लड़की है जो शहर के ही एक नामी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती है। उम्र सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, जी हाँ 16 साल। लेकिन ये लड़की बहुत जल्द सीरिया जाने की फिराक में थी ताकि आईएसआईएस के लिए काम कर सके। 10 दिसंबर को जयपुर में आईएसआईएस के एजेंट सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से इंटेलिजेंस को उस लड़की की तलाश थी जिससे सिराजुद्दीन लगातार संपर्क में था। हालांकि तब खबरें थी कि वो लड़की हैदराबाद की है। सिराजुद्दीन से कनेक्शन, पूछताछ में पुणे की इस लड़की ने भी माना कि वो सिराजुद्दीन के संपर्क में थी। सिराजुद्दीन से उसका लिंक फेसबुक के जरिए बना। ग्रुप में तकरीबन 200 लोग थे जिनके बीच अक्सर आईएसआईएस को लेकर बात होती थी। फोटो और वीडियो शेयर किए जाते थे, कुछ खास मैसेज भी ट्रांसफर होते थे, लेकिन कुछ बातें सिर्फ ईमेल से होती थी। एटीएस ने लड़की और सिराजुद्दीन के बीच कुछ बातचीत का ब्यौरा भी हासिल किया है। पुणे की इस लड़की के आईएसआईएस से कनेक्शन की कहानी चौंकाने वाली है कि बगदादी का आतंकी सेल भारत में अपना नेटवर्क किस शातिर पैटर्न से मजबूत कर रहा है। आईएसआईएस का डॉक्टर बनाने का लालच। एटीएस की पूछताछ में लड़की ने बताया कि वो आईएसआईएस के लिए खुलकर काम करने के लिए सीरिया जाना चाहती थी जो भारत में रहकर मुमकिन नहीं था। अब महाराष्ट्र एटीएस इस लड़की से आईएसआईएस का भूत उतारने के लिए स्पेशल टीम बनाकर काम कर रही है। इसमें परिवार और धर्म गुरुओं की भी मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।